गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शीतल। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जस्ट बिकॉज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी बिगनर्स हैं जो योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनके लिए 7 ऐसे योगा प्रैक्टिस जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होंगे एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो भी आप योगा करेंगे उसका अलग बेनिफिट होगा आपकी बॉडी के लिए एंड आपकी हेल्थ के लिए। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा एंड प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे एशियंट योगा में ब्रीदिंग वर्क को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, लाइक इनहेल एक्सहेल एंड आप लोग प्राणायाम, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है वो सब। तो ये सारी प्रैक्टिसेस इन 7 योगा में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करेंगी। तो जो बोला जाएगा उसको ध्यान से सुनना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पोज से। सो फर्स्ट पोस्चर है हमारा सुखासन। आसन के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, लाइक ये सबसे अच्छा गुड स्टार्टिंग पोस्चर है किसी भी एक्सरसाइज या योगा करने के लिए, काफी अच्छा पोस्चर है, ठीक है। एंड सेकंड ये है, ये आपकी बैक को काफी अच्छे से सपोर्ट करता है। थर्ड ये है, आप जितनी भी ब्रीद ले रहे हैं उसमें ये आपकी ब्रीद को पूरा फ्रीली फ्लो करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सुखासन में बैठने से पहले आपका जो बॉडी वेट है, जैसे ही आप बैठते हो तो आपको ये ध्यान रखना है आपका बॉडी वेट आपके दोनों साइड बैक साइड में प्रॉपर ज़्यादा हो एंड आपको अपना पैर अपने दूसरे पैर पर रखना है। एंड जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे पोज करना तो ब्रीदिंग आपको लेनी है, इनहेल करनी है, देन कुछ देर को रोकनी है ब्रीदिंग को, देन एक्सहेल कर देनी है। तो इस प्रैक्टिस को कम से कम आपको 5 से 6 बार करना होगा एंड मिनिमम 5 मिनट तो करना ही होगा। एटलीस्ट 5 मिनट आप करते हो तो आपका रेगुलर बन जाएगा, डेली बेसिस पे 5-5 मिनट करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड आगे के जो आसन आप करने वाले हो उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है स्टार्टिंग आसन, सबसे बेस्ट है। तो 5 मिनट एटलीस्ट करना एंड अपनी जो स्पाइन है, बैक है जो, उसको एकदम सीधे रखना है। सेकंड है हमारा परिवृता सुखासन, आल्सो नोन एज सिटेड ट्विस्ट। ये एक ट्विस्टेड आसन है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा एंड आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करेगा, साथ में आपके डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा। परिवृता आसन को करते समय पहले आपको सुखासन में बैठना है, देन आपके जो लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखना है एंड आपके लेफ्ट राइट हैंड को बैक साइड में रख देना है। अपने फेस को, अपने शोल्डर को, जो राइट हैंड वाला शोल्डर है उसकी तरफ देखना है एंड आपको अपना जो इनहेल एंड एक्सहेल करनी है, ब्रीदिंग लेनी है आपको। जैसे ही आप ट्विस्ट करते हैं बैक साइड में तभी आपको इनहेल करना है, थोड़ी देर बाद उसे रोकना है, देन एक्सहेल करना है। इस प्रैक्टिस को कम से कम आपको 5-6 मिनट तो करना होगा, या अगर उससे भी कम होती है मिनिमम 5 मिनट तो लेके चलिए, 5 मिनट तो आप लोगों को करना होगा। तो सेम टाइप से दूसरी साइड भी करेंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे एंड लेफ्ट हैंड को अपना बैक साइड में रखेंगे एंड फेस को दूसरे शोल्डर की तरफ देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करते हुए हमें क्या करना है कि इनहेल करनी है पहले, देन थोड़ी देर सांस को रोकना है, देन एक्सहेल कर देनी है, ये होगा। थर्ड है बद्धकोणासन और अ बटरफ्लाई पोज। सो ये बहुत अच्छा, इसके ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइक फर्स्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है एज अ हिप ओपनर, लाइक यू हैव अ टाइट हिप्स जिसके है ना उसे टोन्ड अप करता है, एकदम आपको शेप में लाता है बैक साइड से, जो कि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव एंड यू लुकिंग गुड दैट टाइम। एंड सेकंड है, ये आपकी जो लोअर बैक है उसको रिलैक्स करता है। अगर आपके लोअर बैक में पेन वगैरह होता है, अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो उसको उसमें भी रिलैक्स होगा। थर्ड ये है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग वाला काम करते हैं, लाइक बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, उसमें भी हेल्प करता है। जिन लोगों को बैठ नहीं पाते बहुत ज़्यादा देर तक, तो वो लोग भी इस ये आसन करेंगे तो उनको भी इस काम में हेल्प मिलेगी। बटरफ्लाई पोज को करते समय आपको पहले सुखासन में बैठना है, देन अपने जो दोनों फीट है उनको जॉइन कर देना है, देन जैसे मैं बैठी हूँ सेम तरीके से बैठना है एंड अपनी जो शोल्डर्स है उन्हें सीधे करने हैं, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है एंड अपने फीट को पकड़ लेना है,
देन बटरफ्लाई की तरह अप डाउन करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल आसन है। अगर आपसे ये नहीं होता, आप ज़्यादा नहीं टच कर पाते या नॉर्मली ऐसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद स्टार्टिंग में धीरे धीरे करिएगा, देन थोड़ी देर बाद आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। एंड साथ में आपको इनहेल एंड एक्सहेल भी करनी है, मतलब ब्रीथिंग लेनी है पहले, थोड़ी देर रोकेंगे, देन आप उस ब्रीथिंग को एक्सहेल कर देंगे, निकाल देंगे। कम से कम 5 से 6 टाइम या 5 to 6 मिनट आप लोग इस आसन को करना। एंड इसके बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्टार्टिंग में अगर किसी की ज़्यादा हैवी वेट है, उनसे अगर नहीं होता तो आप ना साइड में पिलोज भी लगा सकते हो, तकिए लगा देना, जिससे आपको थोड़ा बैलेंस मिल जाए इस वजह से। और बाकी इसको, ये बहुत ईजी आसन है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब कोई कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है। एंड इसके बेनिफिट ऑलरेडी बताया, काफ़ी हेल्पफुल है, आपके ना लेग्स को भी टोन्ड कर देगा। अगर सो फोर्थ है हमारा विदाल आसन एंड कैट एंड काउ पोस्चर। आसन ना आपका बहुत अच्छा होता है आपकी स्पाइन के लिए, वो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, इवन आपकी स्पाइन को सफल बना देता है। काफी अच्छा आसन है आपकी जो बैक स्पाइन है उसके लिए। विदाल आसन और कैट एंड काउ पोस्चर को करते समय अपने हैंड को आप रख देंगे, सेटल्ड कर देंगे, यानी अपने लैग को सेम वे से रखना है। जैसे ही आपको अपने जो गर्दन है उसे ऊपर करना है और अपनी जो बैक है उसे थोड़ा अंदर पुश करना है, तो ये है काउ पोस्चर, ये काउ पोस्चर है। एंड जैसे ही आप अपनी गर्दन नीचे करते हैं एंड अपनी बैक को उठा देते हैं तो वो है कैट पोस्चर। तो इन दोनों पोस्चर को करते समय आपको ना अपनी ब्रीदिंग पर भी कंट्रोल रखना होगा। जैसे ही आप कैट पोस्चर करते हैं, काउ पोस्चर करते हैं, तो आपको ब्रीद इन करना है, एंड कैट पोस्चर करते हैं नीचे की साइड से रहता है तो आपका ब्रीद आउट करना है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को कम से कम आपको 5 to 6 मिनट करना होगा, हर एक प्रैक्टिस को मिनिमम 5 से 6 मिनट, और ज़्यादा ही कम करना हो नहीं रहा आपसे तो आप 3 से 4 मिनट तो मिनिमम करना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर फॉर योर स्पाइन, ठीक है। स्पाइनल मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कम से कम 5 से 6 मिनट तो करना होगा। फिफ्थ है ताड़ आसन और अ माउंटेन पोज। तो ये ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आसन है, लाइक आपको ना इससे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट ये है कि अगर आप रेगुलरली इसे फॉलो करते हैं, लाइक प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपका ना जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो वाला भी ठीक हो सकता है, लाइक उसमें भी रिलीफ देगा आपको। एंड सेकेंड ये है कि आपकी जो बॉडी होती है, मसल्स होती हैं बॉडी की, उसको फ्लेक्सिबल करता है, इंगेज करता है एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल बना सकता है। तो ये आसन को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपको। ताड़ासन को करने के लिए आपको स्ट्रेट खड़ा होना पड़ेगा एंड अपने जो पैर हैं उन पे उनको भी एकदम अच्छे से रखना है। देन अपनी जो फिंगर्स हैं उनको उनके ऊपर खड़ा होना है, फिंगर्स के ऊपर। इसके बाद अपने जो शोल्डर्स हैं उनको स्ट्रेट रखना है, अपने हाथों को शोल्डर की तरफ ऐसे ले जाएंगे, सीधे कर देंगे, देन ऊपर की साइड अपने हाथों को ज्वाइन कर लेंगे। और ट्राई करना है जितना भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाते हो मैक्सिमम, उतना स्ट्रेच करना। इससे क्या होगा, बॉडी का जितना भी ब्लड है वो सर्कुलेट होगा अच्छे से एंड आपको भी अच्छा फील होगा उस टाइम, पूरे जो बॉडी को स्ट्रेट कर पाओगे उतना करना। तो इस प्रैक्टिस को भी आपको कम से कम 2 से 3 मिनट मिनिमम करना होगा, मैक्सिमम आप कर सकते हो 5 to 6 मिनट। एंड बहुत अच्छा है ये, आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर देगा, बहुत अच्छा वार्म अप टाइप आसन है। सिक्स्थ है त्रिकोण आसन और अ ट्राइंगल पोज। सो इसके बेनिफिट को देखा जाए, ये काफी ज्यादा बेनिफिट है इसके। सो फर्स्ट बेनिफिट है इसका, डाइजेशन इशू को ये एकदम क्योर करता है, रिलीफ देता है डाइजेशन इशू में। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको डाइजेशन का इशू रहता है, आप कुछ खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता, या कोई भी प्रॉब्लम रहती है रिलेटेड टू डाइजेशन, ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रेगुलरली प्रैक्टिस करिएगा, पक्का आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड है, अगर आपकी बैक में पेन रहता है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। इस
प्रैक्टिस को, ये त्रिकोण आसन को, ट्रायंगल पोज को आप रेगुलरली ट्राई करती रहिए, कम से कम 5 से 6 बार। अगर रेगुलर स्टार्टिंग में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे तो ये ना आपकी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो प्रैक्टिस जरूरी है। त्रिकोण आसन को करने के लिए पहले स्ट्रेट खड़ा होना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा गैप देना है अपने पैरों में, देन अपने एक पैर को ऐसे ट्विस्ट करना है दूसरी साइड एंड दूसरे पैर को हल्का सा करना है, अपने हैंड को सीधे करना है, एकदम स्ट्रेट करना है शोल्डर के बराबर एंड थोड़ा सा फिर झुकना है धीरे धीरे जिस साइड आपका लैग है बाहर की साइड, एंड धीरे धीरे अपने हैंड को अपनी फीट से टच करना है, ठीक है। ये वाले इस वाले पोस्चर को आप 5 to 6 times करेंगे एंड सेम पोस्चर को आपको कम से कम दूसरी साइड भी सेम तरीके से होगा, ठीक है। पहले अपने पैरों को थोड़ा सा गैप देंगे पैरों में, देन दूसरी साइड उसे टर्न कर देंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेंगे, देन अपने हैंड को शोल्डर के बराबर स्ट्रेट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने हैंड को नीचे ले जाएंगे, अपने फीट से टच कर देंगे जस्ट इतना एंड अपनी नेक को दूसरे हैंड की साइड देखेंगे, जस्ट इतना ही करना है, 5 to 6 times करना होगा, इम्पोर्टेंस तो ऑलरेडी पता है आपको। सेवेंथ है वृक्षासन और अ ट्री पोज। सो ये ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आसन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, जो ब्रेन है, उसके अंदर एक सेल होता है सेरेब्रम, ठीक है, जो हमारे मोशन को कंट्रोल करता है, उसको ये डेवलप, उसके फंक्शन को डेवलप करने में हेल्प करता है वृक्षासन। सो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसका बेनिफिट होता है आपके जो लेग्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये, ठीक है, आपके लेग्स को टोन्ड अप करता है, आपके जो एब्स हैं उनको भी टोन्ड अप करता है, तो ये आसन काफी इम्पोर्टेंट है, कीप प्रैक्टिसिंग इट। ट्री पोज करने के लिए पहले पैरों में थोड़ा गैप करना होगा, जैसे ही हमने त्रिकोण आसन में करा था सेम तरीके से अपने पैर को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, देन उस वाले पैर को उठा के अपने सेकंड वाले पैर से टच कर देंगे जिस तरह से मैंने करा है, देन अपने हैंड की हेल्प से उसे नी के ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे ही उसे नी के ऊपर रखते हैं देन अपने हैंड को एकदम जैसे नमस्कार करते हैं वैसे पोज कर लेंगे, देन उसे ऊपर कर देंगे। इसको आप कर सकते हैं 3 to 4 times। ये है शवासन, ये लास्ट आसन है, ये आपकी बॉडी को जस्ट रिलैक्स करने के लिए आपको एकदम स्ट्रेट लेट जाना है, अपने पैरों में थोड़ा सा गैप देना है, एकदम रिलैक्स रह के थोड़ा सा इनहेल एक्सहेल करो एंड उसके बाद थोड़ा सा अपने हाथों को सीधे रखना है एंड कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स करना है, ये लास्ट आसन है जस्ट। सात आसनों को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको चेंजेस खुद के अंदर खुद ही दिख जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको फैशन ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है आप मेरे खुद के पर्सनल चैनल पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शीतल सिंह _16 ये मेरा हैंडल है, आप डालेंगे आप चेक कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जिससे रिलेटेड बनानी है आप वो भी कॉमेंट कर सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस में रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आपको अगर कोई इश्यू है बैली फैट का या कुछ भी कोई इश्यू है आप उसका कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए एक्सरसाइज या डाइट लेके आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिए एंड अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना है, आपको अपने वेट लॉस करवाना है या वेट गेन करवाना है तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर दीजिए, आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगी। टेक केयर, बाय।